हेलो एवरी टू माई स्टडी फिट चैनल, मैं हूं अनुमेहा और आप देख रहे हैं स्टडी फिट। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूं हॉकी के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में। इसके पहले के वीडियो में क्रिकेट फुटबॉल के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में फुल डिटेल में बात कर चुकी हूं। दोस्तों कोई भी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे के PSL, PGT, कुछ भी हो, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन गेम के मेजरमेंट से पूछते हैं। तो आप सभी गेमों के मेजरमेंट्स के बारे में डिटेल में अध्ययन कर लीजिए और उन सभी गेमों का मैं वीडियो ला रही हूँ। इसके बाद सभी गेमों का मैं वीडियो लाऊंगी। इसके पहले मैं क्रिकेट और फुटबॉल का दे चुकी हूँ, तीसरा हॉकी का ग्राउंड का मेजरमेंट है। तो चलिए जानते हैं हॉकी के ग्राउंड का मेजरमेंट में क्या क्या है। तो दोस्तों हॉकी के ग्राउंड का मेजरमेंट जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है कभी कभी कि क्या कहते हैं किस गेम का मेजरमेंट पूरा पश्चिम दिशा में किया जाता है, तो उसका आंसर होगा खो खो। खो खो ही है जो उसका मेजरमेंट पूरा पश्चिम में होता है और सबके क्या होता है उत्तर दक्षिण में होता है। और हॉकी के ग्राउंड की जो लंबाई होती है 100 गज होती है, यानी 91.40 मीटर। इसको 40 नहीं बोलते हैं, दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है। तो 91.40 मीटर, 300 फुट चौड़ाई, 60 गज 55 मीटर 180 फुट। लाइन की मोटाई जो है 3 इंच चौड़ी होती है, यानी 7.5 सेंटीमीटर। शूटिंग सर्कल 16 गज 14.63 मीटर, जो शूटिंग सर्कल होता है जहाँ पर शूट किया जाता है बाल को। 25 यार्ड लाइन होता है इसमें, ध्यान रखिए गज को यार्ड भी कहते हैं, गज को ही। अब पेनाल्टी स्पॉट जो है गोल से 6-7 गज की दूरी पर होता है और जिसका ब्याज जो है 6 इंच होता है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि हॉकी में पेनाल्टी स्पॉट की गोल से कितनी दूरी पर होता है, तो 7 गज, और पेनाल्टी स्पॉट का ब्याज कितना होता है, तो 6 इंच। डॉटेड लाइन, शूटिंग सर्कल के ऊपर डॉटेड लाइन होता है एक, जो 21 गज का होता है। गोल पोस्ट, हॉकी के गोल पोस्ट की चौड़ाई 4 गज यानी 36.6 मीटर होता है और गोल की ऊंचाई जो है वो 7 फीट होता है। चौड़ाई 4 गज, ऊंचाई 7 फीट। बैक बोर्ड की ऊंचाई, जो उसका बैक बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई 18 इंच होती है। बैक बोर्ड की गहराई 4 फुट होता है। वो गोल के खंभे, जो खंभा होता है वो 2 इंच चौड़ी और 3 इंच गहरे होते हैं। हॉकी के बॉल, हॉकी के बॉल का भार 156 से 163 ग्राम। गेंद का रंग सफ़ेद हरे स्ट्रोटप पर और नीला स्ट्रोटप पर पीला कलर का गेंद होता है। बाल की परिधि जो होती है 9 इंच होती है, यानी कि 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर। हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक का भार 12 से 28 औंस होता है और स्टिक की चौड़ाई 2 इंच होती है। हॉकी स्टिक का घुमा हुआ जो सिरा होता है वो 4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। हॉकी स्टिक का आकार ऐसा होना चाहिए कि वह 2.1 इंच के आंतरिक व्यास वाली छलनी से निकल जाए। गोल के नेट, गोल के नेट की खानों की लंबाई चौड़ाई 1 से 1.5 इंच की होती है। झंडे, हॉकी के खेल के मैदान में 6 झंडे लगी होती हैं और चारों कोनों पर एक एक तथा 2 सेंटर लाइन पर, यानी सेंटर लाइन पर 1 यार्ड लाइन से बाहर लगे होते हैं। जो सेंटर लाइन होती है उससे 1 यार्ड उससे बाहर लगी होती है। झंडे के कपड़े की लंबाई और चौड़ाई 12 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्णायक में 2 एम्पायर होते हैं, 1 टाइमकीपर होता है। स्थानापन यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी, किसी भी खिलाड़ी को बदला जा सकता है। किसके स्थान पर, केवल जख्मी खिलाड़ी के स्थान पर, यानी रोलिंग सब्स्टिट्यूशन।
मतलब रोलिंग खिलाड़ी केवल जख्मी खिलाड़ी के स्थान पर किसी भी खिलाड़ी को बदला जा सकता है स्थानापन्न में। हॉकी खेल की अवधि, पुराने नियम के अनुसार खेल की अवधि 70 मिनट होती थी। पुराने नियम के अनुसार खेल की अवधि 70 मिनट की होती थी, जिसमें पुरुषों के लिए 35-35 मिनट के दो हाफ होते थे। दो हाफ के बीच में 5 से 10 मिनट का मध्यांतर होता था। महिलाओं के लिए 30-30 मिनट के दो हाफ होते थे और मध्यांतर 5 से 10 मिनट का ही होता था। हॉकी खेल में 16 नियम होते हैं। अब देखेंगे नए पुराने नियम के अनुसार 70 मिनट का होता था, लेकिन नए नियम के अनुसार 2014 में इसका नियम बदला और नए नियम के अनुसार हॉकी खेल की अवधि 60 मिनट हो गई और ये 4 क्वार्टर में खेला जाता है, यानी 2 पारियों में 4 क्वार्टर में खेला जाता है। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, तो पहली पारी में 15-15 मिनट के 2 क्वार्टर, उनके बीच में 2 मिनट का क्वार्टर ब्रेक होता है, फिर मध्यांतर होता है 5 मिनट का, फिर दूसरी पारी में 15-15 मिनट का 2 क्वार्टर होता है और 2 मिनट का दोनों के बीच में क्वार्टर ब्रेक होता है। तो नए नियम के अनुसार अब खेल की अवधि हॉकी के 60 मिनट हो गया है। कार्ड, इसमें हॉकी में 3 प्रकार के कार्ड होते हैं, लाल ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड। ग्रीन कार्ड का प्रयोग 2 मिनट मिनिमम बाहर चेयर पर बैठना होता है। यदि वो पहला गलती करता है और उसे ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है तो उस खिलाड़ी को 2 मिनट के लिए बाहर चेयर पर बैठना होता है। और फिर अगर गलती करता है तो येलो कार्ड दिखाया जाता है और उसे 5 मिनट के लिए बाहर चेयर पर बैठना होता है। उसके बावजूद भी फिर से गलती करता है तो उसको रेड कार्ड दिखाया जाता है और सस्पेंड फ्रॉम गेम, खेल से बाहर कर दिया जाता है। नए नियम के अनुसार कुछ फ्री हिट के दौरान अपोनेंट प्लेयर को के नियम बने हैं, तो जिसमें 25 यार्ड के अंदर से जो 25 यार्ड का लाइन होता है उसके अंदर से डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते, यानी पहले बाल को 5 यार्ड मूव करानी होगी, यानी आप बाल को डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते हैं, 5 यार्ड मूव करा लेंगे बाल को तभी उसे हिट कर सकते हैं। और दूसरा नियम है पेनाल्टी स्ट्रोक को अब बाल आउट नाम दिया गया है। पेनाल्टी स्ट्रोक को अब क्या नाम दे दिया गया है? बाल आउट, जिसमें प्लेयर 25 यार्ड लाइन से बॉल लेकर चलेगा तथा 8 सेकेंड के अंदर उसको गोल कीपर को बीट करते हुए गोल करना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहले पेनाल्टी स्ट्रोक कहा जाता था उसी को अब बाल आउट नाम दे दिया गया है, और जिसमें प्लेयर जो होता है 25 यार्ड लाइन से बाल लेकर चलेगा और 8 सेकेंड के अंदर गोल कीपर को बीट करते हुए गोल करना होगा। कितने सेकेंड के अंदर? 8 सेकेंड के अंदर पेनल्टी स्ट्रोक में। अगला है फ्री हिट के दौरान खिलाड़ी अब अपने आप बिना किसी को पास दिए लेकर चल सकता है, मतलब फ्री हिट के दौरान किसी को पास नहीं देगा फिर भी अपने बिना किसी को पास दिए आगे चल सकता है। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, इसमें किसी भी खिलाड़ी को कितने बार भी बदला जा सकता है। तो ये था आज हॉकी के ग्राउंड के मेजरमेंट के बारे में फुल जानकारी। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आगे वीडियो हर एक टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो लाती रहूँगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।